हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरा नया ब्लॉग आ चुका है इस बार थोड़ा जल्दी हो गया वैसे तो गैप हो जा रहा है लेकिन इस बार मैंने थोड़ा जल्दी आपके साथ शेयर किया है मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और लक्ष्य के लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ उसी आलू को मैंने ब्रेड में लगा दिया है ऊपर से थोड़ी सी सॉस लगा दी है और इसके ऊपर मैं थोड़े से सेवो गार्निशिंग के लिए लगा दूँगी थोड़े नए टाइप के मैं जो है सैंडविच uh, बना रही हूँ लक्ष्य के लिए वैसे मैं इसमें टमाटर भी लगा देती हूँ अगर कोई वेजिटेबल है तो वो भी लगा देती हूँ लेकिन मैंने थोड़े अलग टाइप के uh, जो है सैंडविचेस बना रही हूँ पराठा मैं मेरे हस्बैंड के लिए सेक रही हूँ उनका टिफ़िन लगाऊंगी उसके बाद फिर लक्ष्य को तैयार करके आज मुझे स्कूल जो है थोड़ी देर से जाना है वैसे मेरा टाइम जो है साढ़े दस का है लेकिन आज मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है तो आज बारह बजे बुलाया है बारह से पाँच का साढ़े पाँच बजे तक फेयरवेल पार्टी चलेगी आज का जो प्रोग्राम है वो मेरे स्कूल का सबसे लास्ट प्रोग्राम है फेयरवेल विदाई लास्ट ही प्रोग्राम होता है उसके बाद एग्जाम उसके बाद बच्चे अगली कक्षा में चले जाते हैं प्रोन्नति हो जाती है और जो फेयरवेल है वो तो इलेवेंथ क्लास के बच्चे ट्वेल्थ क्लास को देते हैं तो बच्चे तो हमारे चले ही जाएँगे तो बस उसी की तैयारी चल रही है पहले मैं लक्ष्य को खिला के तैयार कर देती हूँ उसके बाद फिर मैं भी तैयार हूँगी अब मैं लक्ष्य को नाश्ता देने जा रही हूँ दूध और सैंडविचेस वो ले लेंगे और ये मैं टिफिन लगा रही हूँ मेरे हस्बैंड का और एक दो पराठा मैं मेरे लिए भी सेक कर खा के चली जाऊंगी फिर स्कूल में जो भी नाश्ता वगैरह होगा तो वहाँ प, वहाँ पर हो जाएगा सीव, सीव, सीव। दोस्तों आज स्कूल में फेयरवेल फंक्शन है तो आज का फंक्शन जो है थोड़ा रूम में रखा है थोड़ी सी गर्मी है लेकिन एडजस्ट करेंगे बच्चों के विदाई समारोह के लिए हम सब तैयार होकर आए हैं बच्चे भी बहुत अच्छे से रेडी होके आए हैं तो हम आपको जो है फंक्शन दिखाएंगे और एंजॉय कराएंगे आपको भी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा आज विदाई समारोह है आज के बाद फिर उनका जो है जो एग्ज़ाम है बोर्ड का वो एग्ज़ाम देंगे और फिर नए भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम आपको अपने स्कूल का फंक्शन दिखाते हैं आप इन्जॉय करिएगा तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे विद्यालय की जो असेंबली है वहां पर सारी तैयारियां हो रही हैं ये पूरी डेकोरेशन जो है बच्चों ने ही की है इलेवेंथ क्लास के बच्चों के द्वारा ये सारी तैयारी की जा रही है अभी ट्वेल्थ क्लास के जो हमारे मेहमान बच्चे हैं वो आएंगे उनका वेलकम होगा और बहुत ही अच्छे से पार्टी बच्चे जो जो भी तैयारी की है उन्होंने वो सब किया जाएगा हालांकि हम लोग को भी नहीं पता था हम लोग के लिए भी सरप्राइज था जब तक बच्चे नहीं आए हैं तब तक टीचर्स जो हैं हम टीचर्स थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं थोड़ा रील्स बना लेते हैं थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं जब तक बच्चों का आना होगा तब तक हम लोग फिर अपनी ज़िम्मेदारी संभालेंगे थोड़ा सिंसियर होकर बैठ जाएंगे या आप देख रहे होंगे सारे टीचर्स मिलकर बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं मस्त कर रहे हैं एक रील बनाने के बाद अब दूसरा ये एक राउंड वाला हम लोग कर रहे हैं सारे लोग राउंड में खड़े हुए हैं और रील बनाते जाते हैं गाना गाते जाते हैं और मस्ती करते जाते हैं आप भी देख रहे होंगे सच में दोस्तों ये सब चीज़ें करने से मन को दिल को बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कहीं किसी से जुड़ते हैं किसी संस्था से जुड़ जाते हैं वहाँ के वहाँ के जो लोग होते हैं हमारे कलीग्स होते हैं उनके साथ भी दिन कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और एक अलग ही अनुभव एक अलग ही मजा रहता है इस लाइफ का भी आ, हमारे जो मेहमान बच्चे हैं हमारे जो आज के स्टार्स हैं वो सभी लोग आ चुके हैं सभी ने ब्लैक और ब्लू पहना हुआ है आज की थीम ही ऐसी थी कि बॉयज़ गर्ल्स जो हैं ब्लैक पहन के आएंगे हम लोग भी उनके वेलकम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे सालों साल टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कुछ स्पेशल स्पेशल फील कराते ही रहते हैं आज उन बच्चों का डे है तो हम लोग भी उनके लिए कुछ ऐसा कहेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें बहुत अच्छा लगे और उन्हें हमेशा हम लोगों की अपने विद्यालय की याद आती रहे हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नर्सरी से लेकर ट्वेल्थ तक इस स्कूल में पढ़े हैं तो उनकी भी कुछ खट्टी मीठी प्यारी सी यादें होंगी जिन्हें आज वो पूरा जी लेना चाहते हैं और खूब इंजॉय करना चाहते हैं हमारे मेहमान बच्चे हमारे ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे हैं बॉयज़ और गर्ल्स सब शानदार लग रहे हैं एक से एक ड्रेसिंग सेंस है और बहुत ही सुंदर जितना उनका मन और उतने ही उनके फेस तो हम लोग भी बैठ चुके हैं कार्यक्रम का आगाज हो चुका है इलेवेंथ क्लास के छात्र छात्राओं के द्वारा चूंकि बच्चे बड़े बड़े हैं ज्यादा कुछ उन्हें बताना करना तो है नहीं आज हम लोगों की एक तरीके से कहा जाए छुट्टी सी ही रहेगी बस एंजॉय ही करना रहेगा तो कार्यक्रम का आगाज जो है केक कटिंग करने से स्टार्ट करा जाएगा उसके बाद फिर वही खाना पीना डांस मस्ती और इस तरीके का ब्लॉग देख के आई होप आप सभी को भी अपने विद्यालय के दिनों की याद आ गई होगी जब आप भी ट्वेल्थ में होंगे और आपकी भी ऐसी ही फेयरवेल मनाई गई होगी मुझे तो बहुत ही याद आया मुझे तो आज भी याद है दोस्तों कि जब मेरी फेयरवेल हुई थी और मैंने उसमें फैंसी ड्रेस में कंपटीशन में भाग लिया था तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था वो बातें वो पल हमेशा ही याद रहते हैं वो भी एक अलग ही लाइफ थी हमेशा मस्त स्वच्छंद और अलग अलग ही हमारे जीवन जीने का तरीका था हालांकि अब जिम्मेदारियां अलग हो गई हैं ये बच्चों के द्वारा एक टीचर्स को और विद्यालय को बड़ी मैडम और सर को एक गिफ्ट दिया गया है जिसमें 2022 और 23 के बच्चे पूरा अच्छे से फ़ोटो वगैरह बना के दिया गया था ये बच्चों को टारगेट दिए गए हैं एक पर्ची उठाई जाएगी उसमें जो भी लिखा होगा वो उन्हें करना ही पड़ेगा तो इन्हें दया की तरह गरवा करने का बोला गया था और पूरे असेंबली का एक चक्कर काटने के लिए बोला गया था तो ये अपना कर रही हैं और सच में जीत भी गई थी इन्हें गिफ्ट भी मिला था इस तरीके से आज का हमारा ये बहुत ही शानदार फेयरवेल पार्टी जो है वो मनाई जा रही है बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं साथ ही साथ टीचर्स भी खूब इंजॉय कर रही हैं और इस पार्टी में जो है मिस्टर और मिस का खिताब देना भी जो टाइटल होते हैं वो सब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो इसी में सब लोगों को कोई फैशन में आगे है तो कोई अपने सादी सादगी भरे स्वभाव के कारण आगे है तो उसी तरीके से उन्हें टाइटल भी दिए जा रहे हैं कोई बहुत प्यारा दिखता है किसी का दिल बहुत प्यारा है कोई बहुत नोटी है कोई बहुत ही अच्छा डांस करता है इस तरीके से उन्हें सभी लोगों को एक एक टाइटल दिए गए और गिफ्ट दिए गए टाइटल और गिफ्ट देने के साथ ही साथ बच्चों को कुछ नए नए से टारगेट भी दिए जा रहे हैं कुछ अलग अलग करने को भी बोला जा रहा है तो हमारे विद्यालय के एक शिक्षक के द्वारा एक टंग ट्विस्ट दिया गया है जिसे इन्हें करना था इन्हें उसे बोलना था और हम लोगों को इन्हें देख बहुत ही हंसी भी आ रही थी दोस्तों ये लास्ट में जो कि हर पार्टी की जान और शान होती है डांस करना और वो तो ज़रूरी भी होता है हर पार्टी में तो बच्चे खा पी के और अपनी पार्टी एंजॉय करके अब लास्ट में डांस पर आ चुके हैं बहुत धमाल होने वाला है बहुत ज़्यादा डांस बच्चे करेंगे जिसमें हमारी टीचर्स भी साथ देंगी गाइस बाहर पार्टी चल रही है एंजॉयमेंट हो रहा है और खूब धमाकेदार डांस हो रहा है मैं थोड़ा थक गई हूँ और मैं क्लास में आके पक्के के हवा के, के नीचे आराम से बैठी हूँ और थोड़ा सा हेडेक होने लगा है कब से आए हैं तीन चार घंटे हो गए हैं तो थोड़ा सा अब इरीटेशन सी हो रही है इसलिए तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं और मैं भी अपने यही ब्लॉग को अपने यही एंड करती हूँ आप सबसे विदा लेती हूँ इस आशा के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे आई होप आपने भी ऐसा ही विदाई समारोह इन्जॉय किया होगा फेयरवेल इन्जॉय की होगी मुझे भी अपने पुराने दिन खूब याद आ गए तो इस तरीके से आज का मेरा ये ब्लॉग था ठीक है दोस्तों थैंक यू बाय बाय धन्यवाद